नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ट्रिपल एम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम 2021। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आईआईटी बॉम्बे ने जो गेट एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, यानी कि एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और एग्ज़ाम लगभग उसी डेट को होगा जिस डेट को एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन आएगा उसी डेट को एग्ज़ाम हो जाता है लगभग। तो चलिए इसी बारे में बात करेंगे। तो मैं जो स्पेशली बात करूँगा, मैं गेट बीटी के बारे में बात करूँगा, बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी है और जो लोग नहीं जानते हैं कि आखिर गेट का एग्ज़ाम हमें क्यों देना चाहिए, तो उस बारे में भी मैं बताऊँगा कि गेट का एग्ज़ाम क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, इस बारे में मैं पूरी बात बताऊँगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जॉब से रिलेटेड या फिर किसी और लेक्चर से रिलेटेड मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लेक्चर के PDFs चाहते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इसके साथ आप मुझे चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं गेट एग्ज़ाम 2021 यानी कि गेट का एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंडे 27 जुलाई 2020 आज के दिन पिछली बार जो है आईआईटी दिल्ली ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। लगभग 7 IITs हैं जो डिफरेंट ईयर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो इस बार जो है वो IIT बॉम्बे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। उसके साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम की डेट्स दी गई हैं, फ्राइडे 5 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में मैं स्पेशली बात करूँगा गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट के बारे में बात करूँगा। तो गेट जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जैसे कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अगर आप बीटेक बायोटेक कर रहे हैं या फिर आप बीटेक अपना फूड में कर रहे हैं, उसके बाद जैसे कि आप उस अपने बीटेक के टाइम पर अगर बेटर नहीं कर पाए हैं और आगे चल के आप अच्छा करना चाहते हैं, आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक नहीं किया तो आप दोबारा से आईआईटी नहीं जा सकते हैं। आईआईटी से अपना एमटेक करना चाह रहे हैं तो आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो एमएससी वाले हैं, जो बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद में उन्हें एमएससी करना कंपलसरी है, तब वो गेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। बीएससी वाले गेट एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो जैसा कि ये एग्ज़ाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, स्पेशली 8 जोन में ये कंडक्ट होता है। 8 जोन जो स्पेशली हैं इसको कंडक्ट कराते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि 7 IITs हैं आप जानते हैं, और एक है IISc बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और उसके साथ ही साथ 7 IITs हैं जिसमें IIT दिल्ली है, बॉम्बे है, गुवाहाटी है, कानपुर है, खड़गपुर है, मद्रास है एंड रुड़की है, ऑन द बिहाफ ऑफ NCB यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड, और इसके साथ साथ MHRD NCB के साथ ही साथ MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये कितने मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा, और इसमें क्वेश्चन का वेटेज क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, 65 रहेंगे। इसके साथ टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 आवर मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम मिल रहे हैं। आप और कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो वहाँ पे आपके पास टाइम की बाउंडेशन रहती है, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको केवल 65 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर मिल रहा है, 3 घंटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। गेट कहता है आप करिए, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप सॉल्व तो करिए, तो इतना इजी लेवल नहीं होता है। थोड़ा आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके मेन जो ब्रांच है उसमें जो एप्लीकेशन को अप्लाई करके आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये सब आपका टेस्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम में। तो गेट जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी पास आउट स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो फाइनल ईयर में हैं बीटेक वाले और एमएससी वाले वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अगर कंप्लीट कर चुके हैं या फिर परसुइंग हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ये मेजर एलिजिबिलिटी है। हम यहाँ पे थोड़ा आउटलाइन देखेंगे ऑफ सिलेबस क्या है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप एक आउटलाइन ले सकते हैं कि ये सिलेबस जो है 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें जो सेक्शन 1 है वो टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड है,
एप्टीट्यूड बेस्ड है, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका लीनियर एलजेब्रा आ जाएगा, कैलकुलस आ जाएगा, इक्वेशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा एंड स्टैटिक्स न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह आ जाएगा, जो आप इंजीनियरिंग या फिर बीटेक बायोटेक आप करते हैं जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेक्शन टू है, वहाँ पे हमारा जनरल बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसमें आप बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक इम्यूनोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसके साथ ही साथ मॉलिकुलर बायोलॉजी भी। और सेक्शन थ्री जो है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं उसको, और उसके साथ साथ सेक्शन फोर प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, और सेक्शन फाइव है जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, एक तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायोटेक से कभी कभी टू, जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है उससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है। अगर आप एक एप्टीट्यूड लगभग आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो कर लेंगे, और अगर आप बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग पे अपना कमांड बना लेते हैं उसके बाद अगर आप मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर जनरल बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब मेन फोकस अगर 2-4 पे अगर आप कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी 35 से 37 ये जाता है, इतना जनरल कैटेगरी का लेके चलते हैं। उसके बाद अगर जनरल कैटेगरी 35 जा रहा है तो ये मान के चलिए आपका जो ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी का यही 27-28 रहता है, और एससी एसटी का जो है 21-23 के करीब जाता है कट ऑफ। ये एक मेजर आइडिया मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में अब बात आती है कि आपको गेट का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। आप लोग कुछ लोग फोर्थ ईयर में होंगे, कुछ लोग पास आउट होंगे, पास आउट वालों को तो पता होगा, अगर कुछ लोग फोर्थ ईयर में पहुँच रहे होंगे तो उनको शायद ना पता हो। मेरे हिसाब से गेट का एग्ज़ाम हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देना चाहिए जो बायोटेक्नोलॉजी से हैं या फिर अदर्स हैं, मैं स्पेशली यहाँ बायोटेक की बात कर रहा हूँ। तो आफ्टर क्लियरिंग गेट एग्ज़ाम, अगर आप गेट एग्ज़ाम देते हैं और अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अब्रॉड जा सकते हैं हायर स्टडी के लिए। इसके साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो एक, अगर आप एमटेक करते हैं आईआईटी से तो आपको 12,400 के करीब पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है 2 ईयर के लिए। इसके साथ अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी का अराउंड 25,000 के करीब रहता है पर मंथ। तो आपका पीएचडी जो भी 3 to 5 ईयर जो भी रहता है उसके हिसाब से आपको मिलता है स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको, पढ़ने को भी मिलेगा, इस और अलग से आप आईआईटी से भी कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, मतलब आपका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर हो जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आप एमटेक नहीं करना चाहते हैं, आप पीएचडी नहीं करना चाहते तो एक आप अच्छी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बायोटेक की हो चाहे फार्मा कंपनी, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एमटेक आईआईटी से करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया आप एमटेक कर सकते हैं आईआईटी से, इसके साथ ही साथ आप आईआईएससी बैंगलोर से भी अपनी फर्दर जो एजुकेशन है, मास्टर्स है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो बीटेक एंड एमएससी स्टूडेंट होते हैं वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बीटेक जो स्टूडेंट होते हैं उन वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हैं, उनको एमटेक करने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर 4 ईयर वो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जीआरएफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो उसके बाद आप जीआरएफ के लिए अभी एलिजिबल हो जाते हैं। जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जीआरएफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको जीआरएफ आपने देखा होगा अराउंड 25,000 एबव प्लस एचआरए वगैरह मिला के आपको अच्छा खासा एक स्टार्टिंग मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक गेट बायोटेक्नोलॉजी का एक आइडिया मिल गया होगा। मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम को आपको देना चाहिए, जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट है उनको इस एग्ज़ाम को एक बार ज़रूर देना चाहिए और आगे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि और अगर आप जॉब के लिए भी डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको एक अच्छा वे मिलता है एक अच्छी कंपनी में अप्लाई करने का, कि जिससे आप गेट के थ्रू जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक अच्छी जॉब पाने के, अदर के कंपैरिजन में जो लोग केवल बीटेक करके जाते हैं। और जो लोग बीटेक विद गेट क्वालिफाई करके जाते हैं तो उनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और अगर आप पूरा गेट बायोटेक से रिलेटेड अगर सिलेबस वगैरह चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी चीज़ें चाहते हैं, अगर बायोप्रोसेस से रिलेटेड आप क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं और भी लेक्चर्स, तो मैं इस पर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे कोई मतलब नहीं बनाने का। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गेट जो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।